हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूजलेस सेक्शन ऑफ इंडियन पाइनल कोड, भारतीय दंड संहिता की बेकार पड़ी धाराएं। आज देश में बहुत सारे कानून और धाराएं बेकार पड़ी हैं, जिनमें से कई सारे कानून आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बनाए गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सैयद सोहेब अहमद, वेलकम टू स्टूडियो लेजिस। तो आज हम जानते हैं IPC के बेकार पड़ी धाराएं कौन कौन से हैं। उनमें से एक है IPC सेक्शन 171H, जो कहता है कैंडिडेट से अथॉरिटी लिए बगैर 10 रुपया से अधिक खर्च करके उस कैंडिडेट का चुनाव का एडवर्टाइजमेंट अगर कोई करता है तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट अपराध होंगे और उसे 500 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। यह कानून 1920 का है। उस समय 10 रुपये का वैल्यू बहुत अधिक होता था और इस कानून का वायलेशन करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। उस समय 500 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती थी और आज के समय चुनाव के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और 10 रुपये का वैल्यू कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में 10 रुपया में केवल 2 लोगों का चाय ही मिलता है। आजकल के जो सेक्शन बेकार हो गए हैं, उनमें से एक है IPC सेक्शन 427, जो कहता है अगर कोई व्यक्ति किसी का 50 रुपया या 50 रुपये से अधिक खर्च करता है तो उसे 2 साल की सज़ा हो सकती है। और यह कानून 1816 का है, जब IPC बनाया गया था। उस समय 50 रुपये का वैल्यू 1000 रुपये के बराबर था और आज के समय में 50 रुपया खर्च करने का लिमिटेशन कोई मान्य नहीं रखता है। आज के समय में जो सेक्शन बेकार पड़ी हैं, उनमें से एक सेक्शन है IPC सेक्शन 428, जो कहता है यदि कोई व्यक्ति 10 रुपया से ज़्यादा के जानवर को नुकसान पहुंचाता है या उसका अंग भंग करता है तो उसे 2 साल की सज़ा हो सकती है। 1816 में जब ये कानून बनाया गया था, उस समय 10 रुपया में बहुत सारे जानवर आते थे और आज के समय में 10 रुपया में कोई जानवर नहीं आते हैं। उनमें से एक सेक्शन बेकार पड़ा है IPC सेक्शन 510, जो कहता है यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर शराब पीकर हंगामा करता है या मिसकंडक्ट करता है तो उसे 24 घंटे के लिए सजा हो सकती है या उसे 10 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और आज के ज़माने में 10 रुपये का वैल्यू कुछ भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट करिएगा। जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। तो थोड़ा सपोर्ट हमें करिएगा और मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।